नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बॉडी कैप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लीनेशन वन इन एक्स विल रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द इंक्लाइन प्लेन इफ़ द प्लेन इज गिवन अर्जोंटल एक्स रिलेशन इक्वल टू और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं नाउ स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं वो इस लाइन uh, से कन्फ्यूज होते हैं इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनिशन वन इन एक्स नाओ यूजअली इसका मतलब होता है uh, कि जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं ये आपका थीटा एंगल है इंक्लिनिशन वन इन एक्स दे रखा है तो इसका मतलब होता है टेन थीटा जो है आ, उसकी वैल्यू वन बाय एक्स होएगी लेकिन अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका इससे आंसर नहीं आएगा इस सवाल के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय एक्स Uh, अगर थीटा आपका बहुत स्मॉल है तो साइं थीटा और टेन थीटा वन बाय एक्स विल भी सेम बिकॉज साइं थीटा बहुत छोटा है टेन थीटा बहुत छोटा है दे यूजली है सेम वैल्यू तो उस केस में तो हम इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर एक्स uh, की वैल्यू हम वन बाय एक्स की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट नहीं मान रहे हैं तो उस केस में इस सवाल का जवाब साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय एक्स लेके आएगा सो ऑल दे ऑल दो यहाँ पे गिवन नहीं है बट लेट्स यूज दिस एंड डिराइव एट द वन ऑफ दीज आंसर्स ओके सो लेट मी चेंज द कलर पेन ओके सो नाओ अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका इंक्लाइन in प्लेन है उसमें साइन थीटा की वैल्यू वन बाई एक्स है नाउ अपना स्नैरियो यह है कि लेट uh, से यह आपका इंक्लाइन प्लेन है थीटा uh, और यह आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक है इसको आपने ए एक्सलेशन ऐसे प्रोवाइड कर दिया है आपके uh, इस इंक्लाइन प्लेन को इन सच अ वे कि इसके फ्रेम में दोनों अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये दोनों ही ब्लॉक आपके ग्राउंड फ्रेम में आपका रेस्ट पे है दोनों ही आपके ए एक्सलेशन से जा रहे हैं लेकिन अगर इसके फ्रेन में देखेंगे और इसके फ्रेम में देखेंगे तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मास एम का एफ बी डी बनाएं तो एक तो मास इसकी वजह से एक फोर्स आपका एम जी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लेते हैं और अगर आप इस डायरेक्शन की बात करेंगे ये आपका टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन है और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एम ए अप्लाई होएगा नाउ अगर ये आपका पार्टिकल रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू वेज इंक्लाइन प्लेन या आपने uh, इस फ्रेम में तो उसका मतलब ये है कि एम ए का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये क्योंकि एंगल थीटा है इधर आपका कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा और एम जी का जो अलॉन्ग द इंक्लाइन कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट आपके बराबर होंगे सो वी कैन से एम ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा नाउ अगर हम एम यहाँ पे कैंसिल कर दें कॉस थीटा से डिवाइड कर दें विच एम्प्लाइज आपका एक्सलेशन ए विल बी इक्वल टू जी टेन थीटा ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी नाउ अगर जी टेन थीटा अगर टेन थीटा जो ओरिजिनल वन इन एक्स दिया हुआ यह होता तो आपका आंसर जी बाई एक्स हो जाता है लेकिन ये वैल्यू नहीं दी है तो थीटा को हम यहाँ यूज़ करेंगे सो so ये जो आपका ट्राइंगल है इसका साइं थीटा इज़ वन बाई एक्स इसका मतलब ये है कि ये इसको हम ले सकते हैं वन परपेंडिकुलर और ये जो हाइपरटेनस है उसकी वैल्यू एक्स आ गई एक काम करते हैं कलर चेंज करते हैं इससे आपको और क्लियर रहे है चलो तो इसकी वैल्यू ये वन है आ, हमने इसको वन यूज़ किया है ये वैल्यू आपकी एक्स आ गई और तो इसकी वजह से जो आपका बेस आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर सो यहाँ पे आप एक्सोलेशन को लिख सकते हैं एक्सोलेशन ए विल बी इक्वल टू जी टेन थीटा यानी कि वन डिवाइडेड बाय आपका डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन से सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आउट ऑफ दिस फोर गिवन ऑप्शन फोर इज द करेक्ट वन इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय एक्स राइट सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम